भारत माता की भूमि से कई सारे वीरों के साथ साथ वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया, परंतु मुगल व दिल्ली सल्तनत के ऊपर इतिहास की पुस्तकों को भरने वाले वामपंथी इतिहासकारों की कलम की शाही तब समाप्त हो जाती है जब उन्हें भारतीय राजाओं का इतिहास लिखना होता है। तब इन इतिहासकारों की पुस्तकों में पन्ने कम पड़ जाते हैं। जिस इतिहास पर हम गर्व कर सकें, ऐसा इतिहास हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। महिला सशक्तिकरण में जिस वीरांगना का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, आज उन्हीं का नाम हम सब ने भुला दिया है। ये वीरांगना कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी को धूल चटाने वाली रानी नाइकी देवी सोलंकी थी। रानी नाइकी देवी वर्तमान गोवा के तत्कालीन महाराजा शिवचित्ता परमर्दी की पुत्री थी। राजकुमारी में बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा और असाधारण व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती थी। रानी नाइकी देवी को युद्ध कला और कूटनीति बनाने में महारत प्राप्त थी। नाइकी देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक महाराजा कुमार पाल सोलंकी के सुपुत्र अजय पाल सोलंकी से हुआ। गुजरात पर चालुक्य वंश का शासन था। तब के समय में अनिलवाड़ा पाटन प्राचीन गुजरात की महिमामय राजधानी थी। इस जगह को राजधानी बनाने का कारण यह था कि अनिलवाड़ा संपूर्ण गुजरात के क्षेत्र को स्पर्श किए हुए था। महाराजा अजयपाल का शासनकाल केवल 4 वर्ष 1171 से लेकर 1175 ईस्वी तक का था। महाराजा की अकाल मृत्यु के बाद शत्रु राष्ट्र एवं धर्म पर गिद्ध की तरह नजर कड़ाए बैठे थे। तुर्की आक्रमणकारी जिस समय के लिए घात लगाकर बैठे थे, वो समय उनके हाथ लग गया। गुजरात उस समय धन धान्य से संपन्न था एवं वहाँ की जनता भी धन धान्य वैभव से परिपूर्ण थी। महारानी नाइकी देवी एवं महाराजा अजयपाल के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र मूलराज एवं छोटे पुत्र का नाम भीमदेव था। गुजरात के सिंहासन पर महाराजा अजयपाल के बड़े पुत्र मूलराज द्वितीय को बैठाया गया, जिन्हें इतिहास में बाल मूलराज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका राज्याभिषेक बाल्यकाल में ही हुआ था। उनकी माता महारानी नाइकी देवी रूप में साक्षात माता पार्वती और बुद्धिमत्ता में माँ सरस्वती के समान थी। उनकी राजनैतिक कुशलता से प्रभावित होकर मंत्री सामवंतों ने परामर्श दिया कि राज्य उनके हाथों में अधिक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वे राज्य पर शासन करने की पूर्ण योग्यता रखती है। मूल राज अबोध बालक थे, इस कारण रानी नाइकी देवी से अनुरोध किया गया कि वो सिंहासन ग्रहण करके राज्य के कार्य को अपने हाथों में ले। इस पर महारानी नाइकी देवी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राजवंश के उत्तराधिकारी के जीवित रहते हुए कोई और सिंहासन पर आसीन नहीं हो सकता है। अंततः महारानी नाइकी देवी ने निर्णय लिया कि वो राज्य के प्रतिनिधि बनकर महाराजा बाल मूलराज द्वितीय का मार्गदर्शन करेंगी एवं राज्य की अगुवाई भी करेंगी। इस तरह महारानी नाइकी देवी राजमाता नाइकी देवी की भूमिका का पालन करने लगी। या कहें कि पूरा राज्य का कार्य ही नाइकी देवी के हाथों में चला गया था। मूलराज तो मात्र सिंहासन पर बैठे थे। दूसरी ओर अफगानिस्तान के गोरी राजवंश में शासकों के आने जाने का दौर सा था। वर्ष था 1173। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान में गजनी को जीत लिया। वह उसका बड़ा भाई ग्यासुद्दीन मोहम्मद गौरी अगला शासक बना। परंतु सच्चाई यह थी कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की ही सीमाओं का विस्तार कर रहा था। वह एक महत्वाकांक्षी सेनापति था जिसने कुछ ऐसा किया जो अलेक्जेंडर की सेना अरबों और यहाँ की गजनी के मसूद ने भी नहीं किया था। महाराजा मूलराज द्वितीय को सिंहासन संभाले हुए कुछ वर्ष बीते ही थे कि अचानक राज्य में घोर विपत्ति का अंधेरा छा गया। राजमाता नाइकी देवी के गुप्तचरों ने गुप्त सूचना देते हुए बताया कि किस तरह गिद्ध नरमांस भोजन के लिए तैयार बैठा है और कभी भी गिद्धों का झुंड राज्य में प्रवेश कर सकता है। गिद्ध से तात्पर्य था तुर्की आक्रमणकारी और नरमांस भोजन अर्थात राज्य की प्रजा का सर्वस्व लूट ले जाना। राजमाता नाइकी देवी के कुशल गुप्तचरों के समूह का नाम शार्डंग बताया जाता है। आर्यव्रत की पावन धरा ने कई मलेच्छों के आक्रमण झेले हैं, पर हर बार भारतीय योद्धाओं की तलवार पर मलेच्छों की गर्दन हुआ करती थी, जो कि जान की भीख के तौर पर बच जाया करती थी। पहले खलीफा की नियुक्ति के बाद दूसरे राज्यों पर आक्रमण होते रहते थे, जहाँ मलेच्छों का लक्ष्य मात्र शत्रु राज्य के धर्म को कुचलकर उनकी महिलाओं बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाना
और जबरदस्ती अपना मजहब राज्य की जनता पर थोपना था। सन 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के समक्ष उपस्थित घाट कतार घट्टा पर मोहम्मद घोरी ने अपना सैन्य शिविर बनाया। यह घाट गुजरात की राजधानी पाटन से लगभग 40 मील की दूरी पर था। युद्ध के पूर्व घोरी ने अपने दूतों के हाथों संदेश भिजवाया कि रानी और उसके बच्चों को मुझे अर्थात घोरी को सौंप कर सभी अपनी अपनी महिलाओं कन्याओं एवं अपनी धन दौलत सब मुझे दे दो। मैं तुम सब पर रहम करूँगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। गौरी ये सोचने की भूल कर बैठा था कि उसका मुकाबला एक अबला नारी से है, परंतु उसका सामना एक ऐसी देश की वीरांगना से था जहाँ महिषासुर मर्दनी, दुर्गा, चंड व मुंड नामक राक्षसों की संहार कारिणी माँ काली जैसी असुर संहार कारिणी भी अवतरित होती है। उस देश की हर साधारण नारी के अंदर एक दुर्गा काली रूपी स्वरूप भी होती है जो राष्ट्र धर्म पर विपत्ति आने पर समय समय पर अवतार लेती है। रानी नायकी देवी कूटनीति से घोरी का सामना करना चाहती थी। उन्होंने अपने सेनापति रामवीर के हाथों पत्र का उत्तर लिखकर भेजा कि जाओ जाकर घोरी से कह दो कि उनकी शर्तें हमने मान ली हैं। राजमाता ने कुशलतापूर्वक निर्णय लिया, घोरी जैसे मलेच्छों के साथ छल से युद्ध करना ही उचित होगा। रानी ने आर्यव्रत की माताओं एवं नाबालिग कन्याओं पर कोई आंच न आए इसलिए ये छल किया। गौरी की शर्तों को मानकर उन्होंने उसे भ्रम में डाल दिया। उधर जब गौरी को पता चला कि उसकी शर्तें मान ली गई हैं तो उसने इस खबर को सच मान लिया और वो इसका जश्न मनाने लगा। और इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी राजमाता नायकी देवी। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि राज्य के गुप्त द्वार से महिलाओं एवं बच्चों को लेकर पड़ोसी राज्य नाडोल में जाकर शरण लें। नाडोल के महाराजा कन्हर देव चौहान ने गुजरात से आए शरणार्थियों प्रजा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद राजमाता नायकी देवी ने अपने घोड़े पर सवार होकर गौरी के शिविर की ओर कूच कर दिया। मेरतुंग द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि एवं अन्य इतिहासकारों ने भी इस बात की पुष्टि की है। नायकी देवी द्वारा रणनीति बनाई गई थी। उनके निकलने से पूर्व ही घोरी के सैन्य शिविर में 200 राजपूत योद्धा भेष बदलकर उपस्थित रहेंगे। कुछ हजार योद्धा आबू पर्वतों की घाटियों का सहारा लेकर अनिलवाड़ा की सीमा को घेर कर रखेंगे। राजमाता नायकी देवी का इस अप्रतिम रणनीति ने उन्हें भारत भूमि की सबसे कुशल योद्धाओं में से एक बनाया। रानी नायकी देवी घोरी को भ्रम में रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 25,000 सैनिकों को कई टुकड़ियों में बांट दिया। कुछ घोरी के सैन्य बल में मिल गए, कुछ आबू पर्वतों की घाटियों को घेर कर छिप गए। राजमाता घोड़े पर सवार होकर घोरी की सैन्य शिविर की ओर चल पड़ी। उनसे 50 योजन की दूरी पर बाकी का सैन्य बल सेनापति रामवीर के नेतृत्व में शंखनाद की प्रतीक्षा कर रहा था। घोरी शिविर के बाहर राजमाता की प्रतीक्षा करते हुए खुश हो रहा था। उसने जैसे ही नायकी देवी को अपने शिविर की ओर आते हुए देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अचानक राजमाता रुक गई। घोरी की खुशी कुछ ही क्षणों में घबराहट में बदल गई। वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही भेष बदलकर शिविरों में मौजूद राजपूत सैनिकों ने युद्ध का शंखनाद कर दिया। शिविर में ही 200 योद्धा घोरी की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। इस बीच राजमाता नायकी देवी के पीछे गज सेना, अश्व सेना एवं पैदल सैनिकों के सैलाब ने पर्वत और पथ को घेर लिया। 25,000 की सेना पानी के सैलाब की तरह मलेच्छों पर टूट पड़ी। घोरी के पास कुछ सोचने एवं समझने का समय नहीं रहा। उसने आनन फानन में अपनी भागती सेना को एकत्र किया और आक्रमण किया। राजमाता नायकी देवी दोनों हाथों में तलवार थामे साक्षात दुर्गा बन गई। राजमाता नायकी देवी एक के बाद एक मलेच्छों को गाजर मूली की तरह काट रही थी, मानो जैसे आज आर्यव्रत की पावन धारा का आक्रमणकारियों के रक्त से ही अभिषेक हो रहा हो। अंत में राजमाता गौरी के सैनिकों के चक्रव्यूह को भेद कर गौरी तक पहुंच गई। गौरी ने जैसे ही राजमाता को अपने सामने देखा भयभीत होकर भागने लगा। अंत में राजमाता ने उसे घेर ही लिया। इस बार घोरी भाग नहीं पाया। राजमाता की तलवार के वार से घोरी मूर्छित हो गया, उसका अंग भंग हो गया अर्थात वो नुपुंसक हो गया। इससे पहले कि घोरी राजमाता के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होता, घोरी की सेना वहां आ पहुंची और उन्होंने घोरी को वहां से घायल अवस्था में ही बचाकर निकाल दिया। घोरी इतना डर गया था कि लहूलुहान होने के बाद भी वह घोड़े से उतरा नहीं और सीधा मुल्तान पहुंचकर ही घोड़े से उतरा। घोरी ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि घोड़ा किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए।
फिर चाहे उसे नींद आ जाए या कितना भी इलाज की जरूरत पड़ जाए, पर घोड़ा मुल्तान गंतव्य पहुंच के ही रुकना चाहिए। अगर घोड़ा थक गया तो उसे किसी दूसरे घोड़े पर बैठा देना। जब गोरी मुल्तान पहुंचा तो वो पूरी तरीके से खून से लथपथ था। उसे पता चला कि रानी नाइकी देवी के तलवार के वार से वह अपना गुप्तांग खो चुका है, अर्थात हमेशा के लिए एक नपुंसक बन गया। गोरी ने रानी नाइकी देवी के रूप में साक्षात काल का दर्शन कर मानसिक रूप से एवं रानी नाइकी देवी की तलवार के वार से शारीरिक रूप से नपुंसक बनने के बाद गौरी की कामेक्षा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। गौरी जब तक जीवित रहा वह उस सनातनी वीरांगना की तलवार की धार को कभी नहीं भुला पाया। उसे अब अपने दासों पर निर्भर होना पड़ा। उसका वंश भी आगे नहीं बढ़ सका। उसने अपनी सारी संपत्ति एवं राज्य उसके द्वारा बनाए गए यौन गुलामों में बांट दिया, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में इन्हीं गुलाम वंश का शासक बना। अगर आपको इस वीडियो से राजमाता नाइकी देवी सोलंकी व शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के युद्ध के बारे में जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करिएगा। अपनी राय व सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।